नमस्कार दोस्तों, हम लोग फिर से हाजिर है। डिफरेंशिएबिलिटी, बस पिछला क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़े, फिर उसका ग्राफीय रूप से कैसे समझा दिखाया जाता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। आज उसी से संबंधित हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन में इम्प्लाई हम कैसे करते हैं, उस चीज़ को हम कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। सो दैट फंक्शन फलन एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यू इज द डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स वन एंड फाइंड एफ डैश वन। यानी कि दिखाइए कि एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यू एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है तथा एफ डैश वन ज्ञात कीजिए। तो ये देखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि अवकलनीयता क्या होता है और कौन सा फलन अवकलनीय होता है। तो इसमें देखे थे कि हम आर एफ डैश ए इक्वल्स एल एफ डैश ए, अगर किसी पॉइंट ए पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये अगर दोनों वैल्यू इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यही चीज हमको चेक करना है, यानी कि जब इक्वल देखना है तो एक बार हम इसको चेक करते हैं क्या वैल्यू आता है, फिर इसको फाइंड करते हैं और देखते हैं कि दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल बोलेंगे, अगर नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे। चलिए तो हम देखते हैं इसको किस तरह से होता है। सबसे पहले हम पॉइंट क्या है, तो x इक्वल्स वन है। फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यू है, और इसी पॉइंट पर हमको चेक करना है राइट हैंड डेरिवेटिव आर एफ डैश वन। ये हम देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो f, अब यहां पे देखिएगा कि अगर f a प्लस एच हम लिखते थे जब x इक्वल्स a होता था, अभी x इक्वल्स क्या है वन है, तो हम a वन प्लस एच करेंगे, यानी कि यहां पे हो जाएगा वन प्लस एच माइनस एफ वन बाई एच। और इसी को देखना है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लिमिट h टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच। तो अब देखिए फंक्शन है x है, तो यहां पे x है, वन प्लस एच अगर होगा तो यहां पे वैल्यू हो जाएगा वन प्लस एच क्यू माइनस एफ वन, यानी एफ वन अगर वन डालेंगे तो वन का पावर क्यू हो जाएगा बाई एच। लिमिट h टेंस टू जीरो इसका होल क्यू करेंगे तो वन आएगा प्लस थ्री एच प्लस थ्री एच स्क्वायर प्लस एच क्यू, ये a प्लस b का होल क्यू तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा इस तरह से वन बाई एच। लिमिट h टेंस टू जीरो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा थ्री एच प्लस थ्री एच स्क्वायर प्लस एच क्यू बाई एच। लिमिट h टेंस टू जीरो थ्री कॉम एच कॉमन ले लेते हैं, सॉरी एच कॉमन लेंगे तो थ्री प्लस थ्री एच प्लस एच स्क्वायर आएगा बाई एच, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री प्लस थ्री एच प्लस एच स्क्वायर, ये मेरा वैल्यू है। एच टेंस टू जीरो यानी वैल्यू क्या होगा, थ्री प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस जीरो स्क्वायर, और ये सॉल्व करके आएगा आपका थ्री। यानी कि यहां से हमको पता चल रहा है कि राइट हैंड डेरिवेटिव क्या वैल्यू है, थ्री है, राइट हैंड डेरिवेटिव थ्री आ गया। अब हम थोड़ा सा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता क्या है, कितना है। लिमिट एच सॉरी एल एफ डैश वन इक्वल्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां से भी वही चीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे x है तो x क्यू हो रहा है, 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच क्यू हो जाएगा, 1 माइनस एच क्यू माइनस
वाई माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। इसका होल क्यूब क्या होता है, तो यहां भी वन होगा, माइनस थ्री एच हो जाएगा, प्लस थ्री एच स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एच क्यूब हो जाएगा। और यहां से क्या है, माइनस वन है बाई माइनस एच, इससे फिर से ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस थ्री एच प्लस थ्री एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, हम यहाँ से एच कॉमन ले लेते हैं या माइनस एच ले लेते हैं, माइनस एच लेंगे तो यहाँ पे थ्री माइनस थ्री एच प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू डालेंगे तो माइनस एच, इससे ये कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो थ्री माइनस थ्री एच प्लस एच स्क्वायर, लिमिट अगर पुट करते हैं थ्री माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस जीरो स्क्वायर, और ये भी वैल्यू होता है थ्री, यानी कि मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या है थ्री है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या है थ्री है, यानी कि दोनों ही वैल्यू इक्वल है। तो ये कंक्लूजन क्या होगा, चूंकि आर एफ डैश वन इक्वल्स एल एफ डैश वन, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल है, इसलिए फलन एक्स इक्वल्स वन पर अवकलनीय है। अवकलनीय है। अब ये कॉमन वैल्यू इसमें पूछा है कि एफ डैश वन फाइंड कीजिए, यानी कि इसी चीज को जो कॉमन वैल्यू आता है उसी को हम एफ डैश वन बोलते हैं, और ये एफ डैश वन कितना है हो गया, तो एफ डैश वन इक्वल्स कितना वैल्यू है दोनों का कॉमन वैल्यू थ्री, यानी कि ये थ्री है, यानी कि एफ डैश वन यानी कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स वन पॉइंट पे कितना है, तो थ्री है, दैट्स ऑल। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से हम लोग इसको चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, और दोनों का वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये फलन जो गिवन फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यू वो एक्स इक्वल्स वन पर क्या है, अवकलनीय है, और कॉमन वैल्यू क्या, तो थ्री आ रहा है, इसलिए एफ डैश वन का वैल्यू कितना होगा, तो थ्री हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलिए बच्चों, हम अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स वन, अर्थात सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मापांक मॉड एक्स माइनस वन एक्स इक्वल्स आर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल्स वन पर अवकलनीय नहीं है। तो उसमें था पिछला क्वेश्चन, हमने देखा कि इसमें अवकलनीय है चेक करना था, यहां पे हमको दिखाना है कि अवकलनीय नहीं है यह चेक करना है। इसको ये लिए यहाँ पे एक पॉइंट हमको दिया है, गिवन पॉइंट क्या है, x इक्वल्स वन ही बोल रहा है, x इक्वल्स वन पे, और फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स माइनस वन, ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो तीन कंडीशन होता है इसका, वो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। हम एक बार ये कर लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स मॉड एक्स, तो ये मॉड एक्स इक्वल्स क्या होगा, तो यहां पे थ्री कंडीशंस होते हैं कि x इफ x ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ x इक्वल टू जीरो, माइनस x इफ x लेस देन जीरो। ये तीन कंडीशन होता है मापांक फलन के लिए, तीन कंडीशन में होता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो जो नंबर है वही हम यूज करेंगे, जीरो है तो जीरो हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर है तो भी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि यहां पर माइनस x आता है, इस तरह से। तो यहां भी इस फंक्शन को हम पहले देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है कि f x इक्वल्स, ये थ्री कंडीशंस यहां पे क्या होगा। तो पहला नंबर x माइनस वन, क्योंकि यहां पे x, अगर यहां x है तो हमने यहां पे x यूज किया, तो x माइनस वन है x माइनस वन। इफ x माइनस वन ग्रेटर देन वन, दिस इंप्लाई x ग्रेटर देन वन, यानी कि वन को इधर ले जाएंगे, सॉरी जीरो,
क्योंकि यहाँ पे जीरो यूज होता है इसलिए जीरो डालेंगे, जीरो तो वन को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा जीरो, थोड़ा सा। सेकेंड कंडीशन में क्या है, अगर जीरो होगा जब एक्स इक्वल्स जीरो होता है तो यहाँ पे भी जीरो आएगा, इफ यहाँ पे वैल्यू क्या है एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाई एक्स इक्वल्स क्या वन हो जाएगा, एक्स इक्वल्स वन क्योंकि ये इधर जाएंगे सोल्व करेंगे। तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक्स लेस देन होता है तो ये एक्स होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पे मेरा एक्स माइनस वन इफ एक्स माइनस वन लेस देन जीरो इंप्लाइज एक्स लेस देन वन। तो ये थ्री कंडीशन में हमने फंक्शन को एक्सप्लेन कर लिया है कि क्या होगा। अब चलते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड। तो पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव देते हैं आर एफ डैश वन, क्योंकि पॉइंट कितना है, पॉइंट तो गिवन वन ही है तो वन पॉइंट पे हम चेक करते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बाय एच, ये वैल्यू हमने लिखा क्योंकि यहां पे ए होता है तो ए पॉइंट तो यहां पे वन है इसलिए हम वन डाले हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, तो इसमें अब कौन सा कंडीशन यूज होगा, वन प्लस एच है यानी कि वन, वन प्लस एच है तो वैल्यू कौन सा यूज होना है, कि वन में प्लस एच करेंगे तो वन से ज्यादा एक्स का वैल्यू जो होगा ग्रेटर देन वन हो जाएगा, ग्रेटर देन वन होगा तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है यानी कि x माइनस वन यानी कि ये जो वैल्यू आएगा वो मेरा x प्लस वन माइनस वन होगा। एक मिनट इसको थोड़ा सा, x है तो x माइनस वन होता है और यहां पे हमने देखा है कि x माइनस वन होता है और यहां पे h प्लस वन है x के जगह पे, तो ये हो जाएगा वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ वन अगर करते हैं तो इक्वल टू वन क्या होता है, तो जीरो होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो बाई एच हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं वन से वन ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाई एच, ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन इक्वल्स वन, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या है x इक्वल्स वन पे हो रहा है। अब जरा हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को देख लें, लिमिट f डैश वन लिमिट h टेंस टू जीरो f वन माइनस h माइनस f वन बाय माइनस h, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब यहां से देखते हैं कि यहां पे वन माइनस एच हो रहा है यानी एच एक्स का जो वैल्यू होगा वन से लेस देन होगा, तो वन से लेस देन ये है कंडीशन मेरा ये फॉलो करेगा यानी कि एक्स के जगह पे ये पहले क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या हम एक्स माइनस वन तो एक्स के जगह पे हो जाएगा वन माइनस एच और फिर से माइनस वन और माइनस वन के लिए क्या, तो वन इक्वल है तो ये वैल्यू क्या है जीरो है, यहां पे हमने जीरो डाला बाय माइनस एच। इसको एक्सपेंड करते हैं हम लोग, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन प्लस एच प्लस वन, वो तो जीरो खत्म हो जाएगा माइनस एच, यहां से ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच बाय माइनस एच ये कैंसिल होगा वन टाइम्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन और लिमिट डालेंगे तो वैल्यू हो जाएगा माइनस वन। तो हम अब देख रहे हैं कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है वन वैल्यू है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है माइनस वन है, इसका मतलब ये दोनों ही वैल्यू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है क्योंकि आर एफ डैश वन डज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश वन, ये दोनों ही इक्वल नहीं है इसलिए फलन x इक्वल्स वन पर अवकलनीय नहीं है।
नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम लोग किस तरह से चेक कर रहे हैं, हर बार हमको राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों का वैल्यू फाइंड कर